उस टाइम उनकी डेथ हो जाती है मैम। जो आप ज़िंदगी जी रहे हो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपसे मिल के मैम बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ आपसे मिलने। बताया था सर ने। हाँ, मैं सर से बात की थी और मुझे सच में आपसे क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से बहुत परेशान थी। मैंने बल्कि मेरी वीडियो में भी कमेंट किया था कि मुझे उनसे मिलवा दो, कोई मुझे बता दो। तो मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कुछ करूँ आपके लिए, क्योंकि जो आप ज़िंदगी जी रहे हो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और मतलब किसी की हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने मेरी वीडियो में भी कहा था कि कोई मुझे बताएगा तो मैं उनके पास कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए। तो मैम अच्छा बताइए, बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है मैम। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं तो सच में मिलने आई थी आपसे, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी बलबीर सर का। उन्होंने बहुत हेल्प किया आप तक पहुँचाने में, मेरे बहुत साथ दिए। बलबीर सर मेरी बहुत हेल्प करते हैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और आज मेरा थोड़ा सा गला ही बैठा हुआ है, मैं मतलब खुल कर बोल नहीं पा रही हूँ। और आप मुझसे मिलने के लिए दोस्त आए, तो मैम चलिए आपसे मैं कुछ बातें पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रहे थे। कुछ एक सवाल है मेरे मन में जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो मैम आपसे मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपने चैनल का नाम दुखी औरत ही क्यों रखा है? और भी बहुत सारे ऑप्शन थे मैम। ऑप्शन तो बहुत सारे थे, जो भी मतलब मुझे अंदर से फील होता है कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी दुखी हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से अपने चैनल का नाम रखा है। क्योंकि मैम देखो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया एक इंसान के लिए। मैंने उसे शादी कर ली, ठीक है, तो ठीक 2.5 साल बाद मेरे पास 1.5 साल का बेटा है। 2.5 महीने की बेटी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम उनकी डेथ हो जाती है मैम। और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ससुराल वाले कहते हैं कि तू डायन है, हमारे बेटे को खा गई। बहुत ऐसी बात होती है जो मैं बस बता भी नहीं सकती। और घर परिवार वाले मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं थोड़ी सी उम्र में। उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी मैम, 23 साल की थी मैं। और अभी बताओ मैम, इससे ज़्यादा दुख भरी कहानी मेरी और क्या हो सकती है? आज तक जिन लोगों को मैंने अपना मतलब सब कुछ छोड़ दिया था उनके लिए, वो लोग भी मुझे नहीं पूछते। और रही मेरे माँ बाप की बात, वो तो मुझे क्यों पूछेंगे, क्योंकि मैंने उनका विश्वास तोड़ा है। हाँ, लव मैरिज भी। हाँ जी, मैंने उनका विश्वास तोड़ा है, वो भी मुझे नहीं पूछते। तो आज की डेट में मैं बिल्कुल अकेली हूँ मैम, सिर्फ मेरे 2 बच्चे। और मैं इसलिए मैंने ये सोचकर चैनल का नाम रखा। नहीं, आपने ये अच्छा काम किया मैम। देखो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी घुट घुट के जीते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते। अब आपका मैंने देखा है कि आपके, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 26,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और सच में मतलब बहुत अच्छा किया, और आपने चैनल बनाया। सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने चैनल बनाया और लोगों को आपके बारे में पता चला। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मेरे भाई भी बने हैं, मेरे अच्छे दोस्त बने हैं। हाँ, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो तब मैं यहाँ तक पहुँची। हाँ, आपकी हिम्मत बनी। हाँ, क्योंकि मैंने आपके शुरू में वीडियोस देखी थी, और जब मैंने सच में बहुत अच्छे अच्छे जो कमेंट हैं मैंने पढ़े, और मुझे खुद को भी लगा कि हाँ चलो देखो, अगर आप वीडियोस नहीं बनाते तो लोग इतने आपको नहीं जानते, किसी के मन की भावनाएं इतनी निकल के बाहर भी नहीं आती। हाँ जी मैम, एक ही है कि चैनल बना के मुझे बिल्कुल हल्का फील होता है, क्योंकि हाँ, मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। हाँ, अपने मन की बात मैं हाँ शेयर कर सकती हूँ, उस पर वीडियो बना के मैं डाल सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत पहले से ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ मैम। हाँ, 26,000 की आपकी फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पर। बिल्कुल मैम, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मैम। हाँ जी, चलो अच्छा है। मैं तो ईश्वर से ये कामना करूँगी कि आप जल्दी से आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर होए, फिर मैं स्पेशल आपके लिए आऊँगी फिर शिलोंग से। अब मुझे आपके बारे में पता चल गया है, बलबीर सर ने आपसे मिलवा दिया, और मुझे क्या चाहिए? हाँ जी मैम, यूट्यूब के माध्यम से ही बलबीर सर मुझे मिले थे, और आप भी मिले हो मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ मैम, क्योंकि लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे और ना ही जानना चाहते थे मैम, और आज मुझे बहुत ऐसे लोग हैं जो मिलना भी चाहते हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। बिल्कुल, हम लोगों को बता, अब मैं इनसे मिल चुकी हूँ, मुझे इनकी रियलिटी पता चल चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि आप जानबूझकर लोगों के व्यूज़ पाने के लिए या लोगों को भटकाना चाहते हो इसलिए वीडियोस बनाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। मैं इनसे मिली हूँ, बहुत अच्छा, जैसा वीडियो हम लोग देखते हैं सेम एज इट इज़ सब कुछ है। और इनका जो
आसपास का घर माहौल है वो भी मैंने देखा कि जो वीडियो में है सच में, क्योंकि आप एज ऑडियंस हर किसी के मन में ये ख्याल आता है कि क्या पता ये सच में है या जानबूझकर ऐसा हमें दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन सच में ऐसा है। देखिए वहाँ पर अभी आप हमको लेके चलोगे ना अपने? हाँ जी मैम बिल्कुल, मैं तो आपको यहीं पर ले जाके जा सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई मॉल नहीं है, कुछ नहीं है मैम, सिर्फ जंगल है। नहीं नहीं मॉल नहीं है, देखो आपने इतना हमें रिगार्ड किया, इतना माना और सब कुछ किया, तो मैं सच में घूमना चाहूँगी इनके साथ में, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे आसपास का माहौल कैसा है वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि जो आपके मन में शंका चल रही है किसी के भी मन में वो दूर हो जाए। कई लोग ये सोचते हैं कि बस ऐसे ही जानबूझकर करते हैं, मुझे भी कोई पूछ, एक वो जो वीडियो मैंने डाली थी लोग पूछ रहे थे कौन है वो, तो अब शायद लोगों को जवाब मिल जाएगा कि कौन है ये, मैं क्यों इनसे मिलना चाह रही थी। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा YouTube पे मेरे 26,000 वो है सब्सक्राइबर है। हाँ जी हाँ जी, और आप मुझसे मिलने आए हो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने देखा है कि मेरी सच्चाई क्या है। हाँ जी, आपने ही देखो वो तो आपने देख ली ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल देखी। और बहुत से कमेंट आते हैं जैसे कि आपने कहा हाँ हाँ कि भाई ये सच्चाई नहीं है, ये ढोंग नचरी है, बहुत चीज़ ऐसी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मेरी रियल लाइफ है मैंने उसी पे ही वीडियो बनाई है और उसी पे ही मैं वीडियो बनाती रहूँगी आगे भी मैम। हाँ सच में अच्छा है, मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऐसे इंसान से मिल पा रहे हैं कि जिसको हम वीडियो में देखते हैं, जिसके इतने सारे सब्सक्राइब, और शायद आपको किसी आर्मी से भी कोई कर्नल वगैरह हैं, बहुत सारे लोगों ने मैंने कमेंट पढ़े थे, उन्होंने बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सिस्टर आपका हमें एड्रेस दो, हम मिलना चाहते हैं, तो मैं लकी हूँ उन सब में, मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि मैं सबसे पहले आपसे मिलता हूँ। हाँ जी मैम, आप और बलबीर सर मेरे को सबसे पहले मिले हैं मैम, मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी मैम, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैम कि आप इतनी दूर से मुझे मिलने आओगी, मतलब मैं बहुत बहुत अपने आप को। और अब तो आपके जो 25,000 की फैमिली होगी है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसकी हो रही है, और अब आपको लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सबसे अच्छा ये लगा। हाँ जी मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आदित्य इंडियन है मैं उनका नाम सबसे पहले लेना चाहूँगी क्योंकि वो बार बार मेरे को सुपर थैंक्स करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी क्योंकि उन्होंने 25,000 पे हम मुझे फिर से शगुन के तौर पे मुझे सुपर थैंक्स किया है मैम। और मैम बहुत से ऐसे भी हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं मैम, लेकिन मैं कैसे मिलूँ मैम, मेरा भी मन है कि कई मेरे भाई भी हैं, उनमें अच्छे दोस्त भी हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन हाँ। मैं उन्हें मिल नहीं पाती क्योंकि देखो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को कहीं भी जाके मिलूँ मैम। हाँ हाँ चलो, अगर आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं कोई अगर मैडम से मिलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम फिर एक स्पेशल मीटअप रखेंगे जिससे आप सभी इनसे मिल पाएंगे। तो अगर आप जो भी, क्योंकि मैंने कमेंट देखे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अपना एड्रेस भेजिए, अपना नंबर भेजिए, आप कहाँ पे रहते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी मीटअप रखेंगे, जो भी इनसे मिलना चाहते हैं उनके लिए मीटअप होने वाला है। हाँ जी, आप कमेंट में बता देना कौन लोग मिलना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है जो जिन्होंने मुझे बहन भी माना है, अच्छा दोस्त माना है, तो मेरा भी मन है मैम क्योंकि मेरी तो यही फैमिली है, तो मेरा भी मन करता है मैम कि मैं मिलूं उन लोगों से जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिसके माध्यम से आप भी मुझे मिलने आए हो मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवार है आपका, 25-26,000 सदस्य हैं उसमें, बहुत अच्छी बात है।